अभी अभी हम लोग हेलीकॉप्टर में फूल वर्षा करने के लिए जा रहे हैं। कष्टभंजन सारंगपुर के मंदिर के ऊपर से निकलेंगे। ये कष्टभंजन सारंगपुर का जो 175वां महोत्सव हो रहा है उसका लाइव दिखा रहे हैं आपको वीडियो से। करीबन करीबन 2 लाख से भी ऊपर पब्लिक आ चुकी है सारंगपुर धाम में। ये किंग ऑफ सारंगपुर जो हनुमान जी की 54 फुट की प्रतिमा है, पास में व्हाइट हाउस है जिसमें यात्रीगण रुक रहे हैं। किंग ऑफ सारंगपुर का मंदिर आप देख सक रहे हैं कितनी भीड़ है। बोलो कष्टभंजन देव की जय। हम मंदिर के ऊपर फूल वर्षा कर रहे हैं, मंदिर के ऊपर फूल वर्षा हो रही है। ये किंग ऑफ सारंगपुर जो मूर्ति बन चुकी है, 54 फुट की मूर्ति है जो कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही है। ये यात्रियों के रुकने की व्यवस्था है। ये पंडाल है जहाँ पे प्रवचन कार्यक्रम चालू है। ये पंडाल जहाँ पे प्रवचन चालू है, जहाँ पे भव्य से भव्य कार्यक्रम हो रहा है और हरिप्रकाश स्वामी का कथा वचन इसी पंडाल में हो रहा है। और ये 1100 नए रूम जो सारंगपुर में बन चुके हैं, कष्टभंजन दादा का जो यात्री आ रहे हैं वो इस सब में रुकने जा रहे हैं। अभी ये व्हाइट हाउस जो यात्रियों के लिए ऑलरेडी बन चुका है, जो आज की डेट में पूरा फुल हो चुका है। और ये कष्टभंजन हनुमान जी का मंदिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी भीड़ है, श्रद्धालुओं की लाइन पे लाइन लगी जा रही है। ये भोजनालय 25,000 लोग एक साथ बैठ के भोजन आनंद कर सकते हैं। ये हम फिर पंडाल की तरफ आ चुके हैं जहाँ पे भव्य से भव्य कथा का आयोजन किया जा रहा है, रंगारंग कार्यक्रम, मेडिकल कैंप। ये पूरी पार्किंग व्यवस्था हरिप्रकाश स्वामी और विवेक स्वामी को बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम, ऐतिहासिक कार्यक्रम सारंगपुर की धरती पर आयोजन किया है। यहाँ पे अलग अलग तरीके की झांकियां दिख रही है, अलग अलग तरीके के आपको प्लांटेशन दिख रहे हैं। ये टेंट जो भी लोग यहाँ पे सेवा देने आए हैं उनके लिए ये टेंट की व्यवस्था की गई है। सारंगपुर का पूरा नजारा आप देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा भक्त लोग सारंगपुर दर्शन करने पधारे। यहाँ जो वही आता है जिसे दादा बुलाते हैं, बोलो कष्टभंजन देव की जय।